हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है हमारा इस LG फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन पे। डायरेक्ट ड्राइव है, DC मोटर, ये देख सकते हैं आप। इसका मॉडल नंबर है F8091MDL2, ये देख सकते हैं मॉडल नंबर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब कभी भी वॉश पे लगा रहे हैं या स्पिन पे लगा रहे हैं तो इसका ड्रम स्टक हो जा रहा है, एक तरह का पीछे से आवाज आ रहा है। इसमें देख सकते हैं ये अभी फ्री है, पर जब मोड पे जाता है तो स्टक हो जाता है, घूमता नहीं है। तो एक बार से स्पिन मोड में लगा के बताएंगे आपको। ड्रेन मोटर शुरू हो गया है, आवाज आ रहा है उसमें से, पीछे से मोटर में से। ये देखिए झटके ले रहा है, ये देखिए झटके ले रहा है पर घूम नहीं रहा है। इसे बंद कर देते हैं। तो प्रॉब्लम एक्चुअली इसका मोटर में है, पीछे इसका जो डायरेक्ट ड्राइव मोटर होता है उसमें सेंसर खराब हो चुका है, जिसका जो स्पीड कंट्रोल और मोटर पोजीशनिंग का जो सेंसर होता है वो खराब है। तो हम आपको आज बताएंगे उसे कैसे रिप्लेस करना है। और हमेशा जब कभी भी आपको ऐसे फ्रंट लोड में इस तरह से झटका लेता है ड्रम, तो उसका मतलब होता है कि आपका स्पीड सेंसर ख़राब है, जो भी मैंने बताया था मोटर पोजीशनिंग स्पीड सब उसी में होता है। तो उसे कैसे बदलना है मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो के साथ में बनी रहिए आखिरी तक। तो मैं मशीन को पलटाऊँगा, जैसे देख सकते हैं हमने इसका बैक कवर निकाल दिया है और ये इसका मोटर है डायरेक्ट ड्राइव, जैसे आप घुमा के बताते हैं फ्री है एकदम। और जब चलता है, जब स्टक हो जाता है तो इसे कैसा खोलना है, बीच में एक 17 mm का बोल्ट होता है और सामने से आपको किसी से मदद लेना है, ड्रम पकड़ना है। तो इसे खोलते हैं, तो सामने से ड्रम पकड़ना है, काफ़ी टाइट होता है, खुल गया है। इस 17 mm का है बोल्ट। अब इसे इसका जो पीछे का मैग्नेट होता है उसे स्लोली बाहर खींचना है। ये थोड़ा मैग्नेट्स होते हैं, इसमें चिपक के रहता है, इसमें थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है, आराम से निकालना है। बीच में एक ग्रूव होते हैं उसके शाफ्ट में। इसका बाहर का हब निकल गया है, मैग्नेट फील्ड होता है जिसमें, थोड़ा आराम से निकलना है, चिपकते रहता है। दिखाइए ये इस तरह का होता है, पूरे मैग्नेट लगे हुए हैं। तो ये घूमता है जब मोटर से इंडक्शन शुरू होता है। तो अब हमारे ये रही हमारी वाइंडिंग, इसमें पूरे टोटल 6-10 mm के बोल्ट लगे हुए हैं, ये अभी हम खोलेंगे। देखिए हमने पूरे 6 बोल्ट खोल दिए हैं, अभी ये वाइंडिंग को हम स्लोली बाहर खींचेंगे। ये देख सकते हैं निकल गया है रोटर्स का। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये 3 वायर, ये मोटर का कनेक्शन होता है, और ये जो है ये सेक्शन ये सेंसर का है। तो हम इसे पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, ये सेंसर है स्पीड का और ये मेन सप्लाई आता है। ये थोड़ा हार्ड होता है, आपको टेस्टर की मदद से आपको करना पड़ेगा उसके जो साइड्स के पिन।
ठीक है, निकल गया है। अभी हम ये चेंज करेंगे, ये वाला। तो ये रोटर निकल गया है, ये सेंसर रहेगा इसमें, एक यहाँ पे लॉक रहेगा, इसमें तीन, यहाँ पे एक लॉक, यहाँ पे सामने के तीन लॉक रहेंगे। इसको निकालते हैं अभी। ये आ गया है, ये सेंसर है, देख सकते हैं। उसके बदले हम नया सेंसर डालेंगे, ये है। सिर्फ उसे प्रेस करना है, बस वो बैठ जाएगा सेम वही पोजीशन पे। बैठ गया है, यहाँ नहीं बैठा, ठीक है, बैठ गया है। अब हमें फिर से मशीन में इसको फिट कर देते हैं वापस। कनेक्शन लगा देना है इसमें एज इट इज, थोड़ा टाइट लगता है। चलिए उसको फिट करना शुरू कर देते हैं। बोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में टाइट करना है, सीरियल वाइज ऐसे टाइट नहीं करना है, अपोजिट में टाइट करना है। अभी उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो ऊपर का कवर है वो लगाएंगे। ठीक है, इसमें बोल्ट फिर कस देंगे वापस। सामने ड्रम पकड़ के टाइट करना है इसे भी। ठीक हो गया, तो ठीक है, लग गया है। अब हम मशीन घुमाएंगे और इसमें टेस्ट करेंगे। तो सप्लाई लगा दिया है, एक बार स्पिन मोड में से डालते हैं। ड्रेन मोटर शुरू हो गया है, वो जो साउंड आ रहा है वो ड्रेन मोटर का है, एम्प्टी है अभी। तो देख सकते हैं किस तरह से घूम रहा है अभी, स्मूथ। मैंने थोड़ा रोक के फिर आपको स्पीड में बताया है, ये स्पिन का स्पीड स्मूथ चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमने किस तरह से फॉल्ट रेक्टिफाई किया है, और जब कभी भी आपका जब प्रॉब्लम आए तो ये सेंसर को चेंज करना है। अगर आपका ड्रम स्टक होता है डायरेक्ट ड्राइव में, जैसे बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड, देखा होगा आपने किस तरह से हमने फॉल्ट ये सही किया है इसका। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।